नैना देवी जी एवं जुखाला ब्लॉक युवा कांग्रेस ने जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन सौंपा है। सैकड़ों युवा कार्यकर्ता विकास ठाकुर सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से रैली की शक्ल में मुख्य बाजार से होते हुए सरकार व प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। नैना देवी चुनाव क्षेत्र में आने वाले समस्त शैक्षणिक संस्थानों में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जा रहे हैं। ना वे सरकार के किसी बोर्ड या निगम के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं और ना ही किसी संवैधानिक पद पर आसीन हैं। वे केवल भाजपा के पदाधिकारी हैं जो कि एक राजनीतिक दल है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर रखी है कि शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति से परे रखा जाएगा, परंतु यहां पर उस अधिसूचना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन कार्यक्रमों के लिए स्कूल प्रशासन छात्रों से जबरन 100-100 रुपया उगाही कर रहा है। बेहतर होता कि यदि ये एकत्रित किया गया धन स्कूल परिसर या छात्रों के लिए खर्चा जाता। यही नहीं, क्षेत्र में हो रहे शिलान्यास व उद्घाटनों में भी पूर्व विधायक की पट्टिकाएं लगाई जा रही हैं, जो कि नैतिक, प्रजातांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों व परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ हैं। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे इन कार्यों का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी पैसे का एक पार्टी के प्रवक्ता के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन व सरकार से मांग की है कि तुरंत इस प्रकार के असंवैधानिक व प्रजातांत्रिक कार्यों को रोका जाए, अन्यथा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यक्रमों में जाकर इन कार्यक्रमों का विरोध करेंगे और यदि ऐसा करने पर कानून व्यवस्था खराब होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार व जिला प्रशासन की होगी। इस कार्यक्रम में विकास ठाकुर के साथ जुखाला युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप भडोल, नैना देवी युवा कांग्रेस अध्यक्ष सतीश शर्मा, हिमाचल युवा कांग्रेस सचिव चमेल सिंह ठाकुर सहित पार्टी के युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। उसके खिलाफ जो है युवा कांग्रेस ने आज ये धरना यहाँ पे रखा था और आज ये आखिरी चेतावनी जो है प्रदेश सरकार को भी और जिला प्रशासन को भी देने आए थे कि अगली बार से जो भी कार्यक्रम होंगे इस प्रकार के, उसका वहाँ पे जाके जोर विरोध किया जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप जो भी कानूनी गतिरोध पैदा होता है उसके लिए जिला प्रशासन और प्रदेश की सरकार जो है वो जिम्मेवार होगी।